शुभ संध्या। मैं रविकांत वरारकर ने आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम में कोई रुकावट ना आए इसलिए तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि वह कृपया अपने मोबाइल से साइलेंट मोड पर रख दें। शुक्रिया। साहित्यिक गतिविधियों को समर्पित बाबू आइटम का यह कार्यक्रम हिंदी साहित्य के शहर के एक नामचीन व्यक्तित्व को रूबरू कराना चाहता है। इस जानी मानी शख्सियत का नाम है सम्माननीय डॉक्टर बानो सरताज गाजी मैडम। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। डॉक्टर बानो सरताज गाजी मैडम, आप सभी के तालियों के बीच। धन्यवाद मैडम। मुझे इस बात की खुशी है कि आज मुझे मेरे गुरु का कार्यक्रम संचालित करने का यह अवसर मिला है। मैं जब बीएड में पढ़ रहा था, उन दिनों की बात है, तब आदरणीय काजी मैडम प्रिंसिपल थी। उन दिनों में मैं यूआर भी था। ये यहाँ गौरतलब है, मेरे गुरु के कार्यक्रम का मैं आज संचालन कर रहा हूँ, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। खैर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं हमारे अतिथि के स्वागत की ओर। शाल और उपहार देकर हम ये सत्कार करना चाहते हैं। मैं इसलिए सौ प्रकाश कौर धीर जी से विनती करता हूँ कि वह आदरणीय काजी मैडम का स्वागत करें। यह एक छोटी सी भेंट वस्तु तथा उनका स्वागत हमारे मंच की तरफ से। धन्यवाद मैडम। दरअसल मैडम का कर्तृत्व इतना बड़ा है हिंदी साहित्य के और शिक्षा के क्षेत्र में कि उसे परिचय के रूप में चंद लफ्जों में बयां करना नामुमकिन है। फिर भी उनका अल्प परिचय जानकर हम आगे बढ़ते हैं। कई उपन्यास, कथा, बाल कथा और तत्सम साहित्य को जन्म देने वाली काजी मैडम की शिक्षा एमए उर्दू, हिंदी एवं इतिहास में हुई है। उसके पश्चात एमएड पीएचडी एजुकेशन में ऐसी हुई है। उन्होंने गांधी थॉट्स पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। रूरल सर्विसेज में उन्होंने डिप्लोमा किया है और वह मराठी में भाषा स्नातक भी है। वह हिंदी में साहित्य विशारद और राष्ट्रभाषा परिचय परीक्षा भी उत्तीर्ण है। गांधी विचारधारा और दर्शन पर उनका व्यासंग है। वह योग प्रवेश परीक्षा भी उत्तीर्ण है। जनता कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंद्रपुर, विवेकानंद बीएड कॉलेज वरोरा, बीएड कॉलेज चामोर्सी और गढ़चिरौली, महिला बीएड कॉलेज चंद्रपुर, सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन नागपुर, एलबीएस बीएड कॉलेज बालोड़ा बिलासपुर आदि संस्थाओं में प्राचार्य रह चुकी काजी मैडम की कर्तृत्व का दायरा काफी बड़ा है। इस अल्प परिचय के उपरांत मैं आदरणीय काजी मैडम जी से गुजारिश करता हूँ कि वह अपना साहित्यिक सफर हम सब के सामने रखे। मैं उनसे विनती करता हूँ। काजी मैडम, मैं सोच रही थी परिचय थोड़ा लंबा हो जाएगा, जितना हो उतना काफ़ी है, इसलिए मैंने जब तक पानी नहीं। क्या भूलूं क्या याद करूं, आप सब जानते हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का शीर्षक, और मैंने आज के अपने
साहित्यिक सफ़र या अदबी सफ़र के लिए भी यही शीर्षक सोचा है, क्या भूलूँ क्या याद करूँ, अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ, मुझे ये समस्या आ गई। यहीं से मेरा, मैं जो बोल रही हूँ यहीं से मेरे सफ़र की, साहित्यिक सफ़र की शुरुआत हो गई। बोलना, अपने आप को प्रकट करना, दूसरों के सामने व्यक्त करना, ये सब साहित्य के बहुत मुख्य अंग हैं। जब मैंने पहली बार सोचा कि बात मैं कैसे शुरू करूँगी, तो मैंने सोचा किसी महान व्यक्ति का, जिनकी मैं बहुत प्रशंसक हूँ, जिनके विचारों की मैं प्रशंसक हूँ, उनसे बात शुरू की जाए। आचार्य चाणक्य जब गुरुकुल आश्रम में पहुँचे अधिक शिक्षण प्राप्त करने के लिए, तो दरबान, पहले ऐसे होते थे कि दरबान परीक्षा लेते थे और प्रवेश देते थे, तो दरबान ने पूछा कौन हो। आचार्य चाणक्य ने तत्काल कहा यही जानने तो आया हूँ। इस संक्षिप्त से उत्तर में उनकी तमाम विपत्ति छुपी हुई। मुझे भी जब यह आमंत्रण मिला कि आपको अपना साहित्यिक सफ़र सबके सामने बताना है या बताना है कि आप आज जहाँ हैं वहाँ तक कैसे पहुँचें, तो एक व्यक्ति चाहे स्व अध्ययन के द्वारा कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, अथवा एकांत में रह के कितनी ही साधना कर ले, जब तक वो चार लोगों में नहीं जाता, चार विद्वानों में नहीं जाता, उनसे बातचीत नहीं करता, उनसे चर्चा नहीं करता, तो उसकी सीमा, उसकी विद्वत्ता की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। और इसी तरह, इसीलिए आज मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। मैंने आज एक लंबा सफ़र है और उसके लिए मैं हमेशा करती, मैं कहा करती हूँ कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। एक व्यक्ति यात्रा पर निकलता है तो मील के पत्थर पर, माइलस्टोन्स पर निगाह रखता है, ये जानने के लिए कि कितना, कितनी दूर आ गए और कितनी दूर जाना है। मैंने कभी ये नहीं किया। मैं शुरू से एक उद्देश्य लेके चली कि साहित्य को जब अपनाया है तो साहित्य का सही अर्थ को लेकर चलो। साहित्य जो सबके लिए हित का हो, साहित्य वो लिखा, साहित्य का वो साहित्य है, वो लेखन है जो सबके हित का। और जब एक उद्देश्य निर्धारित कर लिया तो फिर रुक रुक के मंजिल को पहुंचने से पहले इधर उधर देखना क्या, सीधे मंजिल तक क्यों ना पहुँचे। समय कम है, मैं अपना सबसे पहले मैं वहाँ से शुरू करती हूँ कि जब मुझमें साहित्य की समझ पैदा हुई और साहित्य से पहले जो मंजिल आती है वाचन की, वो मुझे शौक पैदा हुआ। मैं एक उच्च शिक्षित परिवार से हूँ। मेरे पिताजी डिप्टी कलेक्टर थे, वो जब थे अब हम छोटे थे तो तब मैंने मेरे घर में अलमारियों पुस्तकों से भरी हुई देखी हैं, जिनमें ब्रिटानिया और दूसरी सभी एनसाइक्लोपीडियाज के पूरे पूरे वॉल्यूम्स थे। जब तक हम बड़े हुए तब तक वो सब कहीं चले गए, गुम हो गए। हम जिसको कहते हैं कि ज़माने के हाथों गुम हो जाए। मेरी अम्मा आगरा मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन की डिग्री ली थी। उस ज़माने में उन्होंने डिग्री ली थी आज़ादी से पहले, जब उनके सारे के सारे शिक्षक जो थे अंग्रेज शिक्षक थे। घर में सबको, परिवार में सबको वाचन का शौक था, लेकिन हम जिसको कहते हैं बाकायदा लेखक, मेरे सिवा और कोई नहीं है। वाचन का शौक छठी क्लास में जब था, जब मुझे लगता है कि अपने अंतिम चरण पर मेरे था, मेरी समझ में नहीं आता कि कहाँ से पुस्तक लाऊं और कहाँ से कोई पढ़ूं। घर में एक अंग्रेज़ी का अखबार आता था, कुछ मैगजीन्स आते थे उर्दू के सिर्फ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा भूख थी पढ़ने की, जो संतुष्ट नहीं होने पा रही थी। हमारे यहाँ एक सर थे ज़फ़र सर, जिन चार व्यक्तियों के
बारे में मैं अपने पहले पड़ाव में बताऊंगी। ये वो चार प्रेरणा स्तंभ हैं जिन पर मेरे साहित्य की इमारत खड़ी हुई है। जफर सर उर्दू और अंग्रेज़ी पढ़ाते थे हमें, वो लाइब्रेरी के भी इंचार्ज थे। हर शुक्रवार को हमें कुछ पुस्तकें मिलती, दो या तीन दूसरे शुक्रवार को वापस करना पड़ता। हमारी क्लास में हम पांच लड़कियां थी, बाकी जो लड़कियां थी उनको पढ़ने का शौक़ नहीं था। मैं उनकी किताबें ले लेती, घर ले जाती और फिर जिस दिन वापस करना होता उस दिन ले आती। 8-10 महीने तक ये फ्रॉड चलता रहा। फिर एक दिन जफर सर को मालूम हो गया, मेरी तलबी हुई स्टाफ रूम में। मुझसे उन्होंने पूछा कि तुम ये जो सारी लड़कियों की पुस्तकें समेट के घर ले जाती हो, सब तुम पढ़ती हो? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे पढ़ने का बहुत शौक है तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ। तो कहने लगे तरीका तो गलत है, तुमने मुझसे मांगना चाहिए था, और ये तरीका गलत है, इसके लिए तुमको सजा मिलेगी। सजा के नाम से मेरी आँख में आ चुका था। मैं वैसे बहुत थोड़ी इमोशनल हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं आज किसी बात पर मेरी आँख बिक जाए तो संभाल लीजिएगा। मैंने कहा तेने सजा मिलेगी, और सजा तो सुन लो पहले, पहले रोना शुरू कर दिया। और तुम्हारी सजा ये है कि आज से तुम जितनी चाहो उतनी पुस्तकें अपने नाम पर अपने घर ले जा सकते हो। मैं आज भी सोचती हूँ कि वो सजा अगर उस दिन मुजफ्फर सर ने मुझे ना दी होती तो मेरा साहित्यिक सफ़र शुरू ही नहीं होता। और ऐसे ही लोग होते हैं।